इधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने विक्ट्री डे परेड में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। ये परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर पर की गई। इस मौके पर पुतिन ने अपना संबोधन भी दिया। पुतिन ने कहा कि जंग में हमारे इरादे साफ हैं, हमें क्या करना है हमें पता है। आपको बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना पर जीत की याद में हर साल रूस में विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। परेड के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और मॉस्को से जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, इस चीज की संभावना थी कि विक्ट्री डे परेड से पहले जो पुतिन का संबोधन होगा उससे आने वाले दिनों का अंदाजा लगेगा। और पुतिन के एक ही शब्द में सारे आने वाले दिनों का अंदाजा है कि दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में रूस का रुख क्या होगा। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है, और जो बगैर किसी देश का नाम लिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे पश्चिमी देशों को अपनी सुपीरियरिटी का, अपनी श्रेष्ठता का एक एहसास है जो कि आपराधिक है। उन्होंने पश्चिमी देशों को यह भी याद दिलाया, यूरोप को यह भी याद दिलाया कि ये भूल गए हैं कि नाथसियों को किसने हराया था। दरअसल पुतिन ने अपने पिछले 2021 के संबोधन में भी यूक्रेन को नाथसीवादी शक्तियों का गढ़ कहा था, और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आज भी उन्होंने वो चीज याद दिलाई उसको संकेतों के जरिए कि यूरोप शायद भूल गया है कि नाथसियों को किसने हराया था। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि डोनबास के इलाके के लोगों का समर्थन वो करते रहेंगे। डोनबास वो इलाका है जो यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जहां रूसी मूल के रूसी बोलने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, जिन पर यूक्रेन की सेना अजो बटालियनों ने काफी अत्याचार किए हैं। और वो इलाका है जिसे पुतिन ने पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ जो विशेष सैनिक अभियान, जिसको नाम दिया गया रूस यूक्रेन संघर्ष को, उसके जरिए उसको आजाद कराया। आज पुतिन ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि भविष्य में भी डोनबास के मुद्दे पर रूस का रुख नरम नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है उसमें किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी। मातृभूमि के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। इस पूरे आयोजन को पुतिन ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। इस पूरे युद्ध को जो पिछले लगभग सवा साल से चल रहा है उसको नाथसीवाद के खिलाफ लड़ाई से जोड़ा। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है, ये भी पुतिन ने साफ कर दिया। यानी आने वाले दिनों में ये लड़ाई और ज्यादा भड़केगी।